जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम आपके भूगोल प्रैक्टिकल के अंदर जो आपकी पांचवी यूनिट है यानी पांचवा जो चैप्टर है समपटल सर्वेक्षण, उसको लेकर बात करने जा रहे हैं। भूगोल प्रैक्टिकल के हर बैच को लगभग ये प्रश्न है वो दिया जाता है इस चैप्टर का, और प्रश्न ये रहता है अक्सर कि समपटल सर्वेक्षण के अंदर काम आने वाले उपकरणों के नाम बताइए और प्रत्येक उपकरण का उपयोग बताइए। और साथ में पूछ लिया जाता है कि समपटल सर्वेक्षण की सर्वाधिक लोकप्रियता के कारण बताइए। तो एक एक करके थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं अपने। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें भी समपटल सर्वेक्षण के उपकरण कौन से हैं, तो कम से कम मुख्यतः 8 उपकरण आप जरूर लिखिएगा। एक एक करके नाम लिख के उनके आगे अगर आपसे उपयोग पूछा जाता है तो उनके उपयोग भी आपको आगे लिखने हैं। जैसे एक नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है प्लेन टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड, ये हमारे मानचित्रण का प्रमुख हिस्सा रहता है। इसमें हम लिख सकते हैं भी त्रिपाद स्टैंड पर ड्राइंग बोर्ड के कसने पर एक प्लेन टेबल बनती है जो हमारे मानचित्रण की टेबल है। दूसरा है एलिडेड, इसमें आप लिख सकते हो समपटल सर्वेक्षण में इसकी सहायता से स्टेशन की ओर को ड्राइंग कागज पर रेखा खींचते हैं। तीसरा है अपना स्प्रिट लेवल, यह त्रिपाद स्टैंड पर लगे ड्राइंग बोर्ड को समतल करने के काम आता है। चौथा है साहुल पिंड युक्त चिमटा, इसका उपयोग समपटल सर्वेक्षण में केंद्रीकरण के लिए किया जाता है। पांचवा है अपना ट्रफ कंपास, इसका उपयोग दिशा निर्धारण में किया जाता है। छठा है फीता, आपको पता है इसका उपयोग है वो दूरी मापने के लिए किया जाता है। सातवां है सर्वेक्षण दंड यानी रेंजिंग रोड, लक्ष्य की सही स्थिति देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आठवां है तीर यानी एरो, सर्वेक्षण के दौरान किसी बिंदु की स्थिति आसानी से ढूंढने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत से उपकरण हैं या कुछ चीज़ों की अपने को जरूरत होती है, जैसे ड्राइंग कागज हो गया, ऑल पिन, बोर्ड क्लिप, पेंसिल, रबड़, स्केल, इन सब की भी आवश्यकता है, वो अपने प्लेन टेबल सर्वे में जरूरत है वो पड़ती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न एक और बन जाता है, समपटल सर्वेक्षण की सर्वाधिक लोकप्रियता के कोई दो कारण लिखिए। मैंने यहाँ पर तीन कारण लिखे हैं, आपको जो अच्छे लगें उनमें से कोई दो कारण हैं वो लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपको प्रश्न की भाषा ही लिखनी है, समपटल सर्वेक्षण की सर्वाधिक लोकप्रियता के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है यह सर्वेक्षण करने की एक ऐसी रेखीय विधि है जिसमें सर्वेक्षण कार्य के साथ साथ क्षेत्र का मानचित्र भी बनता जाता है। दूसरा है कि इसके द्वारा किसी क्षेत्र का मानचित्र अधिक शुद्धता से एवं कम समय में बनाया जा सकता है। और तीसरा कारण है कि सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों की बनावट जटिल नहीं होने के कारण कोई भी सर्वेक्षक अल्प अभ्यास के बाद भी उन्हें सरलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। तो ये है समपटल सर्वेक्षण की सर्वाधिक लोकप्रियता के तीन प्रमुख कारण। आप इनमें से किन्हीं दो को, अगर प्रश्न में दो पूछे हैं तो दो लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, मैंने शुरू में ही आपको कहा लगभग हर बैच को ये प्रश्न, किसी में ये पूछ लिया जाता है भी उपकरणों के नाम बताओ, या ये पूछ लिया जाएगा किसी एक या दो उपकरण की जो संरचना है वो समझाइए, या उपकरणों के नाम और उसके साथ उपयोग पूछ लिया जाता है, या फिर सर्वाधिक लोकप्रियता के कारण है वो पूछ लिए जाते हैं। ये एक प्रश्न मैंने यहाँ लेकर आपको ये बताना चाह रहा था भी प्रैक्टिकल में इस प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और बहुत जल्द आप चैनल के ऊपर एक चीज़ ये भी देख पाएंगे भी एक बोर्ड प्रैक्टिकल की एक मॉडल कॉपी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको ये पता चलेगा भी टीचर है वो किस प्रकार से कॉपी जांच कर उसमें अंक प्रदान है वो आपको करते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और मेरे भूगोल के साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी वो जो मॉडल कॉपी मैं आपको एक या दो दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल के ऊपर, ताकि टीचर को ये फ़ायदा रहेगा भी मूल्यांकन करने का एक तरीका उनके पास रहेगा, और बच्चों को ये फ़ायदा रहेगा भी उनको ये पता चलेगा भी हमारी कॉपी है वो किस प्रकार से जांची जाती है। तो चलो हम बहुत जल्द उसके ऊपर बात करेंगे, तब तक आप अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा।